नमस्कार, आज हम बात करते हैं मानव भूगोल की, जो कि आपकी 12वीं कक्षा के एनसीईआरटी भूगोल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है। मानव भूगोल की बात करें, हम उससे पहले समझते हैं कि भूगोल क्या है। भूगोल एक ग्रीक शब्द से बना हुआ है, जियोस प्लस ग्राफिस। जियोस का मतलब होता है अर्थ और ग्राफिस का मतलब होता है कि उसको किस तरीके से डिस्क्राइब किया जाए या समझाया जाए। तो पृथ्वी और पृथ्वी पर होने वाली प्रक्रियाओं को किस तरीके से दर्शाया जाता है, उसको हम भूगोल में समझते हैं। भूगोल की प्रमुख दो शाखाएँ हैं, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। भौतिक भूगोल वो है जो भौतिक गतिविधियों को केंद्रित है, तो हवा, पानी, जल, वायु, इन सब के प्रभाव से जो गतिविधियां हो रही हैं। और मानव भूगोल वो है जो मानव की गतिविधियों को प्रभावित करता है और मानव के द्वारा प्रभावित गतिविधियों को का अध्ययन करता है। तो यहाँ पर हम समझते हैं कि भूगोल को हम दो शाखाओं में समझ सकते हैं, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। आज की हमारी कक्षा का मुख्य बिंदु रहेगा मानव भूगोल। तो मानव भूगोल की जब भी हम बात करते हैं, तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि भूगोल की कोई भी शाखा हो और विज्ञान की कोई भी शाखा हो, वो बहुत क्लोजली एक दूसरे से रिलेटेड है। जैसे हम बोलते हैं कि फेस ऑफ अर्थ, तो फेस क्या है, वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का हिस्सा है, और दूसरी तरफ हम पृथ्वी को कंपेयर कर रहे हैं। इसी तरीके से हम बोलते हैं आई ऑफ साइक्लोन, तो हम एक तरफ साइक्लोन या चक्रवात की बात करते हैं, दूसरी तरफ आँख की बात करते हैं जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का हिस्सा है। इसी तरीके से जब हम यातायात सुविधाओं की बात करते हैं, तो हम आर्टरीज ऑफ सर्कुलेशन की बात करते हैं, या जो नसें हैं हमारी उनसे हम उसको रिलेट करते हैं। तो एक मानव को एक भूगोल से रिलेट करने की हम पूर्णतः कोशिश करते हैं। इसी मानव भूगोल के अध्ययन में तीन स्कॉलर्स का रोल बहुत महत्वपूर्ण है, वो है रेडजेल, सैंपल और ब्लाश। अब इन तीनों की मुख्य बिंदुओं हम समझने की कोशिश करेंगे। रेडजेल ने मुख्यतः कहा था कि मानव की गतिविधियों के बीच में और पृथ्वी की सतह के बीच में एक बहुत गहरा संबंध है, और इसको समझने के लिए सिंथेसिस बहुत ज़रूरी है। सैंपल ने अपनी व्याख्या में ये बताया था कि हमेशा ही मानव जो है वो शांत नहीं रहता है, और न ही पृथ्वी स्टेबल रहती है। तो अनरेस्टिंग मैन और अनस्टेबल अर्थ के बीच में एक बहुत गहरा संबंध है। तो इन्होंने मुख्यतः डायनामिज्म की बात की थी, कि चीज़ें सतत रूप से बदलती रहती हैं और परिवर्तित होती रहती हैं। और ब्लाश ने एक कंसेप्शन की बात की थी, जिसमें उन्हें बोला था कि जो पृथ्वी के फिजिकल लॉज हैं या भौतिक रूल हैं, उनके साथ मानव की गतिविधियों को हम इंटर रिलेट करते हैं, तो इंटर रिलेशनशिप पर बल दिया था। तो ये तीन प्रमुख बिंदु हैं जो ह्यूमन ज्योग्राफी या मानव भूगोल के आसपास हम समझते हैं। अब मानव भूगोल में दो बातें कही गई, या तो मानव का प्राकृतिकरण कर दिया जाए या प्रकृति का मानवीकरण कर दिया जाए। तो अगर हम मानव का प्राकृतिकरण की बात करते हैं, तो वो कॉन्सेप्ट होता है एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, जिसके द्वारा हम ये कहते हैं कि प्रकृति बहुत ही बलशाली है, मनुष्य पूर्ण तरह से प्रकृति पर आश्रित है, प्रकृति कभी भी प्रलय ला सकती है, कभी भी कुछ भी बदलाव हो सकता है। तो निश्चित तौर पर आप उसका पूजा अर्चना करते रहिए और उससे एक डर बनाए रखिए, जो कि पुरानी जनजातियों में भी होता था। तो वो मानते थे कि प्रकृति सर्वोपरि है, प्रकृति जो चाहे वो कर सकती है। दूसरी तरफ जो सिद्धांत था, वो था प्रकृति का मानवीकरण, जिस सिद्धांत को हमने बाद में पॉसिबिलिज्म की तरह इसकी व्याख्या की, जिसमें ये कहा गया कि मानव अपने आसपास नई नई चीज़ें लाने की संभावनाएं पैदा करता है। तो ये जो संभावनाएं होती हैं, ये प्रकृति के मानवीकरण से आती हैं, प्रौद्योगिकी के विकास से आती हैं, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट से आती हैं, और उसके द्वारा हम मान सकते हैं, हम फॉरकास्ट कर सकते हैं कि कब भूकंप आएगा, कब सुनामी आएगा, कब चक्रवात आएगा। तो हम निश्चित तौर पर पूर्णतः प्रकृति पर आश्रित नहीं है, पर हम प्रकृति को बदलने के लिए भी अग्रसर हैं, और हम वहाँ पर अपनी संभावनाएं खोज रहे हैं। इन दोनों ही कॉन्सेप्ट के बीच में एक मध्यम मार्ग चला, जिसको ग्रिफिथ टेलर ने शुरू किया, और इस कॉन्सेप्ट को बोला स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म या नियो डिटर्मिनिज्म। इस कॉन्सेप्ट के अनुसार जीवन एक ट्रैफिक सिग्नल की तरह है, हम पॉसिबिलिटीज़ या संभावना खोजते हैं, पर वो संभावनाएं निश्चित तौर पर एक लिमिट के अंदर होती हैं, और वो लिमिट या वो जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, वो हमें समझने पड़ते हैं। तो वो जो लिमिट हम यहाँ पर समझेंगे, उसमें हम ये देखते हैं कि ना तो व्यक्ति के पास
पूर्णतः ज़रूरत है। देर इज़ नो एब्सोल्यूट नेसेसिटी जो कि डिटर्मिनिज्म में कहा गया है, ना ही हम कहते हैं कि पूर्णतः स्वतंत्रता है जो कि पॉसिबिलिज्म में कहा गया है, पर दोनों के बीच में एक रास्ता है जो कि मध्यम मार्ग या स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म की तरह हम व्याख्या करते हैं, जो कि टेलर का सिद्धांत है। इसमें एक और बहुत महत्वपूर्ण बात की गई है जिसमें ये कहा गया है कि हम आइदर और की जो बात होती है उसमें बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं, तो जो आइदर और की डाइकोटॉमी है उसको हम समाप्त करने की कोशिश करते हैं। अगर मानव भूगोल के विकास को हम समय के साथ समझें तो तीन चीज़ें प्रमुख हुई। पहला तो मानव ने अडॉप्ट करना सीखा अपने आसपास के वातावरण पर, उसके साथ एडजस्ट करना सीखा और ज़रूरत पड़े तो अपने आप को बदलने के लिए भी सीखने की कोशिश की। तो ह्यूमन ज्योग्राफी का जो मुख्यतः कॉन्सेप्ट है वो टेम्पोरल फिनोमेना के साथ चला आ रहा है, समय के साथ उसमें बहुत सारे परिवर्तन देखे गए हैं। तीन प्रमुख शाखाएं इसमें आती हैं। पहला है आपका वेलफेयर ज्योग्राफी, दूसरा है आपका रेडिकल ज्योग्राफी और तीसरा है आपका बिहेवियरल ज्योग्राफी। बिहेवियरल ज्योग्राफी ये बताता है कि आप अपने एक्सपीरियंस के द्वारा, अपनी समझ के द्वारा अपने आसपास की चीज़ों को किस तरीके से देखने की कोशिश करते हैं। रेडिकल ज्योग्राफी मुख्यतः मार्क्स के सिद्धांतों पर बेस्ड है, तो उसका मुख्य कॉज ये है कि गरीबी क्यों है, इनइक्वालिटी क्यों है, तो वो सब चीज़ें समझना रेडिकल ज्योग्राफी में आता है। और वेलफेयर ज्योग्राफी जो पहले ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी की तरह देखा गया था, जिसमें सोशल वेलफेयर की बात की गई है और सोशल वेलबींग के साथ घर, स्वास्थ्य और शिक्षा तीन पैरामीटर्स पर मेजर बल दिया गया है। अब अगर हम मानव भूगोल के विकास को समझें तो विकास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पड़ाव पे रहा है। शुरू में जब ब्रिटिश राज या कॉलोनियल पीरियड था तो सबसे पहले एक्सप्लोरेशन और डिस्कवरी हुई, लोगों ने अलग अलग जगह पे जाके ढूंढना शुरू किया, नए द्वीप ढूंढे, नई जगह ढूंढी, नए लोगों से इंटरेक्शन हुआ, तो एक्सप्लोरेशन और डिस्कवरी बहुत महत्वपूर्ण था। उसके बाद इसी समय कॉलोनियल पीरियड में ही रीजनल सिंथेसिस हुआ, जिसमें हम एक जगह को पूर्ण रूप से समझने की कोशिश करने लगे। 1930 से विश्व युद्ध के बीच का समय जो था, तब तक हम मानते हैं कि हमने एरियल डिफ्रेंसिएशन पे बल दिया, मतलब हमने बोला कि हर स्थान में अपनी एक खासियत है, हमें उस खासियत को समझना होगा और उस खासियत को आगे ले जाना होगा। 1950 से 1960 में हमने क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन की बात की, जब हमने बोला सांख्यिकी, मैथ्स, स्टैट्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उस पर बल देना चाहिए। 1970 में हमने बोला कि किस तरीके से क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन से हम धीरे धीरे दूर जा रहे हैं और क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन से जो लोगों में डिसकंटेंट फैला था उसको वेलफेयर ज्योग्राफी, रेडिकल ज्योग्राफी और बिहेवियरल ज्योग्राफी के द्वारा धीरे धीरे समाप्त किया जाएगा। और आखिर में 1990 के आसपास हमने पोस्ट मॉडर्निज्म की बात की। पोस्ट मॉडर्निज्म का मतलब ये था कि जो भी यूनिवर्सल थ्योरीज हैं मानव की उनको चैलेंज किया जाएगा और लोकल कंटेक्स्ट में लेके उनको समझा जाएगा, तो लोकल एस्पेक्ट में लेके चीज़ों को समझना एक बहुत ही महत्वपूर्ण एस्पेक्ट था। मानव भूगोल की बहुत सारी शाखाएं हैं। पहली शाखा में हम कहते हैं कि सामाजिक भूगोल या सोशल ज्योग्राफी, जिसमें हम लेजर की बात करते हैं, हिस्ट्री की बात करते हैं, कल्चर की बात करते हैं, जेंडर की बात करते हैं, मेडिकल टूरिज्म की बात करते हैं। दूसरा था आपका अर्बन ज्योग्राफी, जिसमें हमने अर्बन या शहरी जगहों के विकास की समस्याएं, वहाँ पर किस तरीके से प्लानिंग होनी चाहिए उसके बारे में समझा। पॉलिटिकल या राजनीतिक जो भूगोल है उसमें हमने मुख्यतः इलेक्टोरल ज्योग्राफी और मिलिट्री ज्योग्राफी पे बल दिया, जो कि आपकी पॉलिटिकल साइंस या राजनीतिक विज्ञान और मिलिट्री के बहुत ही करीब है। फिर हमने पॉपुलेशन या जनसंख्या के बारे में पढ़ा, तो डेमोग्राफी के हम नज़दीक आए। तो अलग अलग शाखाएं जो हैं अलग अलग ब्रांच से हमें बांधती हैं। इसी तरीके से हमने सेटलमेंट ज्योग्राफी के बारे में समझा, तो हमने शहरी सेटलमेंट्स देखे, ग्रामीण सेटलमेंट देखे, रीजनल प्लानिंग की बात की और फाइनली हमने आर्थिक भूगोल के बारे में समझा। तो आर्थिक भूगोल में हमने कृषि देखा, उद्योग देखे, हमने यातायात देखा, मार्केटिंग देखा, टूरिज्म देखा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपके अर्थशास्त्र से जुड़ी हुई हैं, आपकी बिजनेस डेवलपमेंट से जुड़ी हुई हैं, ट्रेड एंड कॉमर्स से जुड़ी हुई हैं। तो निश्चित तौर पर जो भूगोल है वो अलग 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 सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है,
मानव भूगोल हम कहेंगे कि बहुत ज़्यादा इंटरडिसिप्लिनरी है दूसरे सोशल साइंसेज या सामाजिक विज्ञान से, जिस तरह फिजिकल ज्योग्राफी बहुत ज़्यादा इंटरडिसिप्लिनरी है दूसरे बेसिक साइंसेज से या विज्ञान की शाखाओं से। तो ये एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट था जो हमने मानव भूगोल के बारे में समझा। आगे की कक्षाओं में हम मानव भूगोल पर और अध्ययन करेंगे। जो अगला सेक्शन आपका होगा वो मुख्यतः जनसंख्या पर केंद्रित होगा। तो जुड़े रहिए, बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।